भैरवा कर्ण नहीं कल्कि या फिर काल भैरव है और यही वो रीजन है जिसके वजह से अश्वत्थामा उसको पूरी मूवी में पहचान नहीं पाता है। कल्कि अपने इस वीडियो को एडिट करते टाइम मूवी के ग्लिम्स का ये वाला सीन मेरे सामने दोबारा आया एंड मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया क्योंकि पूरे मूवी में ये वाला सीन तो कहीं पर था ही नहीं। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, एडिटिंग के टाइम इस सीन को कट करके हटा दिया गया होगा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम इस सीन को थोड़े और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भैरवा ने अपने हाथ में अश्वत्थामा की लाठी पकड़ रखी है या फिर कहें तो कर्ण का विजय धनुष पकड़ रखा है, जबकि मूवी में हमने देखा कि भैरवा के हाथ में वो लाठी तब आती है जब वो बेहोश होता है। एक पत्ता आकर के उस लाठी पर गिरता है और लाठी उसके हाथ से जा लगता है जिसके बाद से वो लाठी विजय धनुष के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भैरवा के अंदर कर्ण की तरह पावर्स आ जाते हैं। और अगर ये सीन मूवी में होता तो ये सब जो कुछ भी हुआ वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इस सीन में हम लोग देख रहे हैं कि भैरवा ने उस लाठी को डायरेक्टली अपने हाथों से पकड़ रखा है और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ मेरा मानना ये है कि मूवी के एंडिंग को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया गया है और इसी वजह से इस सीन को कट करना मेकर्स की मजबूरी हो गई। इनिशियली मूवी के मेकर्स प्रभास को कर्ण नहीं बल्कि कल्कि या फिर काल भैरव बनाना चाहते थे, जो कि अभी भी सच हो सकता है। आगे के पार्ट्स में हो सकता है कि वो काल भैरव या फिर कल्कि के रूप में दिखाई दे। रुको प्रूफ करता हूँ। पूरी मूवी में काल भैरव को टीज किया गया है, वो सीन याद है जहाँ एक बुढ़ा इंसान काल भैरव की सोने की मूर्ति को लिया हुआ था तो कॉम्प्लेक्स का सोल्जर उससे वो ले लेता है और बोलता है तुम्हें पता नहीं काशी में आजकल भगवानों पर बैन है। वैसे ही एक और सीन है जहां भैरवा उस मूर्ति को देखता है और बोलता है इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो बुढ़ा इंसान बोलता है ये काल भैरव है और ऐसा कहा जाता है कि ये हमेशा काशी की रक्षा करते हैं, अब तुम्हें ही काशी की रक्षा करनी है भैरवा, तो वो बोलता है हाँ हाँ कर देंगे। तीसरा सीन इंटरवल के जस्ट पहले आता है, एक बड़ा सा चक्र गिरने वाला होता है और प्रभास कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली आकर के उसे पकड़ लेता है और उसी चक्र के पीछे काल भैरव की बड़ी सी मूर्ति बनी होती है। एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि वहां पर काल भैरव की मूर्ति बनी हुई थी या फिर विष्णु भगवान की, लेकिन उस सीन के बाद ही वहां पर प्रेजेंट सभी लोग उसे एक मसीहा की तरह देखने लगते हैं और वो खुद भी बोलता है कुछ तो बदल गया है बुज्जी। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि भैरवा इनिशियली कर्ण नहीं बल्कि काल भैरव बनने वाला था और ये बात तो कहीं ना कहीं इसके नाम से भी पता चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में काल भैरव की तरह दिखाई भी दे सकता है। रुको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर तुमने मेरे इस वाले वीडियो को देखा होगा तो तुम्हें जरूर पता होगा कि भैरवा के पास शुरुआत से ही कोई ना कोई एक डिवाइन पावर थी और इसी वजह से वो अश्वत्थामा को टक्कर दे पा रहा था, उनके इतने हैवी अटैक्स को वो सर्वाइव कर पा रहा था और इतने देर तक इतने इंटेंस फाइट के बाद भी उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच तक नहीं आया था। इसका एक एक्सप्लेनेशन तो मैंने अपने उस वीडियो में ही दे दिया था, लेकिन इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी काल भैरव के पावर्स थे और वो काफी टाइम से उसे यूज भी करता आ रहा था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके पास ऐसे पावर्स थे और इन्हीं पावर्स का नतीजा था कि उसने अपने पूरे लाइफ में एक भी फाइट नहीं हारी है। और फ्यूचर में हमें अभी भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि भैरवा कर्ण नहीं काल भैरव है और उसके अंदर कर्ण के पावर सिर्फ इसलिए ही आए थे क्योंकि उसने उस लाठी या फिर कहे तो विजय धनुष को उठाया था। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि अश्वत्थामा के पास तो वो लाठी शुरुआत से ही थी तो उसको भी कर्ण के पावर्स मिल जाने चाहिए। तो इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मेरे पास ये है कि मे भी अश्वत्थामा के पास वो पावर्स इसलिए नहीं आए क्योंकि अश्वत्थामा पहले से ही शापित था। वीडियो में ऊपर राइट साइड में एक पोल आ रहा है जिसमें तुम सभी पोल करके बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है भैरवा कौन है, काल भैरव या फिर कर्ण। और अगर तुम्हारा जवाब कर्ण है तो अपनी थियोरी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बस यही था आज के इस वीडियो के लिए, मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।